दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए सबसे पहले धनी लोग अपने घरों से खत्म करें, बोले मुखिया सुकेश्वर। महुआ से राजू कुमार के साथ आदिल शाहपुरी की रिपोर्ट। वैशाली। महुआ प्रखंड के हिदायतपुर निवासी श्री फिरोज अंसारी की पुत्री जूही परवीन का विवाह श्री मोहम्मद जहीर अंसारी ग्राम हरौली हाजीपुर वैशाली के साथ देर शाम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस जोड़े का निकाह प्रथम गवाह छोटे दादा अब्दुल जब्बार अंसारी एवं द्वितीय गवाह मास्टर एजाज अहमद आदिल की उपस्थिति में देन मोहर 21,786 रुपए के साथ हिदायतपुर मस्जिद के इमाम साहब ने पढ़ाया। इस अवसर पर विवाह समारोह में मुखिया सुकेश्वर दास फुलवरिया, पंचायत सरपंच राजेंद्र राय, पैक्स अध्यक्ष अजय राय, नाना अब्दुल कलाम अंसारी, मास्टर मोहम्मद आशिक, मास्टर मोहम्मद सिराज, मास्टर मोहम्मद दिलशेर, पत्रकार आदिल शाहपुरी, किंग विशु के प्रोप्राइटर चाचा सिराज अंसारी एवं चाचा फिरदोस अंसारी, अधिवक्ता मोहम्मद इमरान, संतोष कुमार, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद तौसीफ, भूतपूर्व मुखिया अब्दुल गफ्फार साहब, चाचा सलमान अंसारी, दादा मोहम्मद शफी अंसारी, मोहम्मद असलम अंसारी के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सही बात है, उसके बदले बच्ची को साक्षर बनाकर पढ़ा लिखा कर सुयोग बना दिया जाए और बिना दहेज के शादी किया जाए, सबसे अच्छी बात है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुकेश्वर दास, मैं ग्राम पंचायत राज फुलवरिया के मुखिया हूँ। मेरा घर कहानिया। धन्यवाद। साहब क्या जी का कहना हुआ, आप क्या, आपका तो बहुत तजुर्बा रहा है, उम्र भी बहुत देखा है समाज में, दहेज प्रथा जो है इसको किस तरह से कम किया जाए समाज में ताकि बच्ची वाले पर कुछ बोझ कम पड़ सके, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दहेज प्रथा पर जो उनका कानून बनाया गया है, तो हम लोग उपहार के रूप में दे खुशी से, और लड़का वाले भी उसको स्वीकार करें, लड़का भी स्वीकार करें, माने बोझ के रूप में जो है सो दहेज के रूप में, बोझ के रूप में इसको नहीं किया जाए जो है सो, इसीलिए सरकार का मनता है कि बच्ची को शिक्षित कीजिए, लड़का को भी शिक्षित कीजिए, और उपहार स्वरूप बच्ची वाले, बच्ची पक्ष और लड़का पक्ष दोनों मिलजुल करके विवाह को संपन्न करें, को संपन्न करा दें। हिदायतपुर में फिरोज अंसारी साहब की पुत्री की शादी में हम लोग शामिल हो रहे हैं, और दादा शफी अंसारी साहब, नाना कलाम अंसारी साहब है, आज उनके यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर मुखिया जी है, सरपंच जी है, मास्टर दिलशेर साहब है, सिराज साहब है, आशिक साहब है, इसे हमारे अध्यक्ष जी है। अब इनसे मिल करके पूछते हैं कि शादी को इस समाज में किस रूप से लेना चाहिए या शादी को किस ढंग से करना चाहिए ताकि जो सरकार का एक नियम है, एक आह्वान है कि दहेज प्रथा को बंद किया जाए। अध्यक्ष जी बताएंगे क्या ऐसा कदम। मंत्री जी का आदेश था कि दहेज नहीं लिया जाए, और हम लोग इसी दहेज के कारण लड़की वाले को बहुत कठिनाइयां का सामना भी करना पड़ रहा है। मान के चलिए कि अभी लड़का वाले के यहाँ जाइए तो दहेज तो मुख्यमंत्री जी का अलाउ है कि दहेज बंद है, फिर भी दहेज के तौर पर उनसे तो लिया जाता है दहेज। ऐसा नहीं है कि बंद है, चाहे गिफ्ट के तौर पर हो, चाहे कैसे भी दबाव बना के भी लिया जा सकता है, लिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग अगर समाज में चाहेंगे तो अपने आप में पहले सुधार करना होगा। हम किसी के से अगर नहीं लेंगे तभी तो हम कह सकते हैं कि हाँ, मैंने कहने का मतलब कि अपने घर से इसको स्टार्ट किया जाए, आरम्भ किया जाए। हाँ, चाहे कि हमारा किसी बेटा हो, सरपंच साहब हो, खुद अपने आप पर इस पर कंट्रोल किया जाएगा कि हाँ हम दहेज, हमको यानी कि जो शिक्षित परिवार है वहीं से शुरू किया जाए इसको, ताकि हाँ उसका असर समाज पर पड़े ना, समाज पर पड़ेगा कि हाँ मुखिया जी हैं, सरपंच साहब हैं, या जो भी माननीय गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे शुरू किया जाए। चलिए।